हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छा हूँ गाइस। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ सीलमपुर मार्केट। होलसेल मार्केट है वो, स्टफ की, कपड़ों की। तो वहाँ पे लड़कियों को ना जितना भी स्टफ मिलता है, लहंगे वगैरह, हर तरीके का लहंगा, गाउन, सब कुछ होलसेल मार्केट है वहाँ पे। तो पूजा को अपने किसी काम के लिए, शूट वगैरह करने के लिए, अपने लिए गाउन स्टिच कराना था, पहले तो हमने वैसे ही देखा मार्केट में, हमें कुछ समझ नहीं आया, तो फिर हम, उसने बोला मेरे को स्टिच कराना है, यहाँ पे देखा तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, तो हम सीलमपुर जा रहे हैं। क्या पता एक ही गाउन जो जैसे यहाँ पे हम स्टिच करा रहे थे तो वो बहुत महंगा पड़ रहा था, 15-17 हज़ार रुपये का गाउन पड़ रहा था, जो समझ में आ रहा था हमें। वहाँ जाके देखते हैं, मेरे ख्याल से इतने में तो वहाँ से 3 गाउन स्टिच हो जाने चाहिए, इतना स्टफ आ जाना चाहिए। बाकी मार्केट दिखाते हैं आपको आज हम सीलमपुर की। अभी मैं पूजा को ही पिक कर रहा हूँ। गाइस जरूर आ गए। कौन सी मार्केट जा रहा है, मेरे को नाम नहीं बोला गया वैसे। तो गाइस, ये मैडम आ गई है, इसको ये नहीं पता है कौन सी मार्केट में अपने लिए शॉपिंग करने जा रही है। कितने तो आप की बता बात रहे है। थे तो आपने सर्च करी ना, कितनी शर्म तो की बात है। बहुत मुश्किल से माने तो कहते हैं कि मैं नहीं जा रहा, मैच है मुझे बहुत मुश्किल से बनाया इनको जाने के लिए, क्योंकि गाइस मैंने बहुत सारी जगह सर्च करा। बेल्ट लगा लो आप, मेरे इंतजार नहीं है ना। मैंने बहुत सारी जगह सर्च करा बट मुझे अच्छे गाउन नहीं दिखे, तो हम, मेरे आइडिया है कि यार कपड़ा लेते हैं और कपड़ा लेकर खुद स्टिच कराते हैं, वो आइडिया इन्होंने दिया। इसको आइडिया है, इसको आइडिया है। गाइस जो रास्ता नहीं मिल रहा, मार्केट है। अभी हम बहुत छोटी सी गली में घुस गए थे, बहुत मुश्किल से गाड़ी मोड़ी है। अरे इधर दुखी हो गए गाड़ी मोड़ते हुए, है इधर शांत है। अभी मैं बोलूंगी तो मेरे को सुना देंगे, शांत। यार आपको मार्केट में ही अब दिखाती हूँ डायरेक्ट क्या है क्या नहीं। गाइस कप देख रहे हो, कप दिल्ली की चाय। ओ ओ बिखेर देते अभी। ये क्या खा रहे हो? ये फैन, ये मेरा फैन है। आहा मजा आ गया, चस्की लेते रहते। दिल्ली की चाय, फैन और ये मट्ठी, ये चाय और ये इनके मुंह में गया फैन। गाइस देखो चाय ने इतनी अच्छी लगी है, बाहर निकल के चले गए और अब वहीं पे खड़े होके पी रहे चाय। खुले पैसे थे, ड्रामे मत कर मेरे, जो मैंने तो कल रात को दिए का है वो। ध्रुव कोई ना, जो पैसे मैंने तो कल रात को दिए, कोई वो कोई बेहा हो सकता है, मेरा बेहा नहीं हो सकता, ये पैसे मेरे ही है। कौन से पैसे दिए थे तेरे को पागल? 1100 रुपए मेरे पापा ने दिए थे तेरे को, मेरे पापा ने अपनी मेहनत कमाई थी, मेरे पापा ने। तेरे पापा बाद में हो, पहले मेरे हैं, मेरे पापा। चिप्स का पैकेट मेरा दिलाया हुआ है, ये मेरा है, ये मेरा है। पैसे ना मेरे तेज। कैसे चेक करते ना चीजों को। तो गाइस हमने रिक्शा कर लिया है यहाँ से जाने के लिए। यार ये बहुत उल्टा बोलते हैं, पता है बहुत ज्यादा उल्टा। क्या बोलता हूँ, सही बोलता हूँ मैं। पतली पतली गलियां हैं, देखना कैसी पतली पतली गलियां हैं गाइस, बंद पड़ा है कोई गली। यहाँ पे तो गाड़ी आई होगी, बिल्कुल पतली पतली गलियां हैं, यहाँ कहाँ गाड़ी निकल जाती, मतलब ही नहीं था। आगे
स्पेशल छोटी छोटी दुकानें और स्टफ से भरी पड़ी है, लेटेस्ट स्टफ है जो यहाँ पे ट्रेंड चल रहा होता है ना, करंट ट्रेंड जो होता है। मैडम ने परेशान कर दिया भैया को भी और मुझे तो कर ही रखा है। ये वाला नीचे वाला ये हाँ अच्छा लग रहा है वो। दो तीन बोरे भर लिए मैडम ने। कुली लिया है मैंने, कुली कुली कितना सुंदर है। यही बोल रहे थे क्या वो? हाँ यही है गाइस, कितना सारा सामान ले लिया, उठ भी नहीं रहा। कुली कुली भैया रख रखी है मेरे पास, आप निकल नहीं पाओगे ना तो आराम से आना। हाँ जरूर गाइस, जाम लग रहा तगड़ा वाला। मैंने तो सामने उठा लिया, इसने परेशान कर दिया रोक रोक के रास्तों में गाइस। और इसे देखना 17 आगे भैया, 17 नंबर गली कौन सी है पूजा? भैया ले जाएंगे अपने हिसाब से। लाल क्वार्टर के बहुत सामने रोड रोड पे स्टार्टिंग में चौक पे। ध्रुव क्या फील कर रहे हो? मैं फील ये कर रहा हूँ जेब खाली हो गई है बिल्कुल। ये फोकस क्यों नहीं ले रहा? फ्रंट कैमरा से बना ले तू, जेब खाली रह गई है। अरे फ्रंट कोई बस स्टैंड है, वो बस स्टैंड है पुराना था उससे। पता नहीं बस स्टैंड वहाँ बस रुकती भी नहीं, रुकती ये भी नहीं पता। चाय वाले हैं वहाँ दो, चाय वाले अंकल हैं वहाँ पे दो भैया। कल बड़ी सी मूर्ति है जो गाइस। गाड़ी मिल गई अपनी तो शॉपिंग भी सारी कर ली है पूजा के लिए। अब मैच शुरू कर लिए, मैच तेरी दुख रही है हल्की हल्की थाली पकड़ के, हल्की वो 50 किलो का वजन मैंने पकड़ा हुआ था, हल्की हल्की नहीं थी ध्रुव, इतना डराती है तू। ये चीज दुख रही है, वो 5 मिनट के लिए पकड़ के रिक्शा करवा दिया, उसके बाद भी उसमें भी आधे रास्ते तेरे को एक ही थाली पकड़ी है, एक मैंने पकड़ी है भाई साहब, बहुत गलत बहुत। गाइस हमने सारा मटेरियल अपना ले लिया है, ये सारा वाला बोरा भरा हुआ है और अभी चल रहा है मैच जिसके लिए हम बहुत जल्दी आए थे, जिसके लिए हम सुबह सुबह हाँ बहुत जल्दी आ गए थे। बस आज ना मेरे को कुछ नहीं देखना है, मेरे को ना विराट की और रोहित की मेरे को पार्टनरशिप देखनी है। और मैं चाह रहा हूँ कि रोहित दोहरा शतक मारे अपना इस वर्ल्ड कप के फाइनल में। अरे मस्त खेले एंड तक, यही दोनों खेले हाँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, वो भी खेल रहे हैं सामने वाली टीम भी। बट आज ना यार गाइस हमने पता क्या देखा, मार्केट में हम आ रहे हैं, होलसेल मार्केट की लोगों को फोकस होना चाहिए यार, हमारी दुकान है होलसेल का काम कर रहे हैं हम, क्लाइंटों पे फोकस होना चाहिए, कस्टमरों को ऊपर उनका फोकस पता कहा था। अरे भैया जल्दी करो मैच चल रहा है, सारे सबका फोन ऐसे था ऐसे, जिस पे नजर गई उसी के फोन में मैच चल रहा है। मतलब लिटरली एक शॉप पे गए हम, हमें मतलब इसके गाउन के लिए ना अस्तर देखना था, तो उसने स्पेशली अस्तर की दुकान थी और उसने मैच शुरू कर दिया, भैया नहीं आई बाद में आना, मैच के लिए इतने दीवाने भाई। इस मैच का फाइनल का मैं बहुत ज्यादा क्रेज देख रही थी, हम भी है, हमने भी पटाखे रखे हुए बजा करके अपने दिवाली के, हम भी बजाएंगे तब तो अड़ेंगे, मौका मिलेगा। गाइस हम तो इससे दुखी, जामनगर गाड़ी चलाने जामनगर में फंस जाते हैं यार। आपकी फेवरेट जगह ध्रुव, आपकी फेवरेट जगह गाइस यमुना जी के पास है,
छठ पूजा हो रही है यहाँ पे, तो हम वो देखने के लिए रुके। मैंने कभी देखी नहीं छठ पूजा कैसे होती है जमुना जी के पास। गाइस अभी हम जा रहे हैं बुटीक पे, देन उसके बाद अभी सिलने के लिए डालते हैं, देखते हैं करते हैं, और जस्ट एक घंटे की नींद लूंगी। सोने दोगे? सो जी, मैं कौन सा रोक रहा हूँ? मैच देखोगे ना? ये मैच देखेंगे, मैं भी देखूंगी, एक घंटे की नींद लूंगी। पर मैं ऐसी हो रखी बिल्कुल। चलो गाइस बुटीक पे चलते हैं।